नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नए वीडियो में। मेजर बैन जहां जिस कंट्री ने भारत से लगाए हैं उसकी कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। पहली जो कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो अपनी सभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भारत से बंद कर दी है और इसको यहाँ पर अपने रिपेट्रिएशन फ्लाइटें जो है ऑपरेट करने जा रहा है। अगली खबर श्रीलंका से है। आपको बता दें, श्रीलंका ने भी बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए भारत से जो अपनी है उड़ानें रद्द करने की बात करी है। साथ ही यहाँ पर इंडिया से जो है भारत से श्रीलंका ट्रेवल करने की जो नहीं है वो सलाह दी गई है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इटली से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, इटली में भी एक फ्लाइट से 23 जब पॉजिटिव लोग मिले और एक जैसे 23 लोग पॉजिटिव मिले, तो इसके बाद यहाँ पर इटली ने भी जो अपना फ्लाइट बैन है वो भारत से लगा दिया है। अगली खबर यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों को भी यूके में आने से मना कर दिया है। साथ ही जो भी नेशनल के हैं, कहीं के भी हैं, अगर वो 14 दिनों तक भारत में रह गए तो भी वो यूके की यात्रा नहीं कर सकते। वहीं सिंगापुर से भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दिया गया। आपको बता दें, सिंगापुर ने ये कहा है कि भारत से अभी कुछ दिनों तक जितने भी अदर नेशनल्स भी हैं, अगर वो भारत में रह रहे हैं, वो भी यात्रा जो है इस वक्त सिंगापुर की नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, बढ़ते केसेस को देखते हुए नेपाल ने भी यहाँ पर जो अपने फ्लाइट बैन है वो लगा दिए हैं। ऑल्दो यहाँ पर नेपाल ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटों के साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं। अगली खबर यूएई से है। आपको बता दें, यूएई ने भी अपने इंडिया से जो उड़ानें हैं वो बिल्कुल बंद कर दी हैं। पर अच्छी बात यह है कि केवल भारत से यूएई नहीं जा सकते। अगर आप यूएई से भारत जाना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लाइटें अवेलेबल है, साथ ही आप यूएई को एज ए ट्रांजिट भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है जर्मनी की तरफ से। आपको बता दें, जर्मनी ने भी इन सबको देखते हुए जो अपने रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए हैं। अगर आप यात्रा करते हैं जर्मनी के लिए तो आपको यहां पर डिपार्चर के बाद 14 दिनों का जो क्वारंटीन है वो होना पड़ेगा। तो यह है सारा हिसाब किताब फ्लाइटों का। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।